ऊपर से पूरा टूट के रोड में आ गया है। यहाँ पे पता नहीं मेरे हस्बैंड कैसे आएंगे, पैदल आना पड़ेगा उनको। तो दोस्तों वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग, स्वागत है फिर से हमारी नई वीडियो में आप सभी का। आज 16 अगस्त और अभी बज रहे हैं 11। मैं बना रही हूँ दिन का खाना और आज मैं बना रही हूँ देखो इसकी सब्जी। ये मेरी बुआ ने दिया है, यहाँ पे मेरी बुआ रहती है ना बगल वाले गांव पे, तो उन्होंने भिजवाई थी कल और इसको हम बोलते हैं चिचिंडा। देखो आप लोग बताना कि आपके इधर ये सब्जी होती है, क्योंकि मैं राजस्थान जोधपुर में रही तो मैंने आज तक ये सब्जी नहीं देखी वहाँ, और भी मैं कितनी सारी जगह गई वहाँ भी मैंने नहीं देखी, बस पहाड़ों में ही देखने को मिलती है ये। तो आप लोग ज़रूर बताने कि आपके इधर की सब्जी होती है। एक बार मैं केरला गई थी तो वहाँ भी मैंने ये सब्जी देखी थी, तो आई थिंक साउथ साइड में ये होती है। हम कितनी जगह हम गए वहाँ मैंने ये नहीं देखी है, तो मुझे लगता है कि ये शायद पहाड़ों में ही होती होगी। तो आप लोग बताना आपके इधर क्या ये सब्जी होती है। हाँ जी, ककड़ी है। ककड़ी नहीं है बेटा, ये चिचिंडा है। अब जो मैं काट के दिखाती हूँ आपको ये अंदर से कैसी होती है। देखो इस नीचे नीचे थोड़ा नीचे कर दो। अरे हाँ देखो चिचिंडा है वो। तो चलिए आप बनाते हैं लंच, फिर मिलते हैं उसके बाद। अभी आप भी कुछ बोलो ना दोस्तों के लिए। अरे आप ही बोल लो। लो देखो अभी का जुगाड़ देखो, अभी ये क्या कर रखा है, ये कैसी गाड़ी है, इधर से क्या बना रखा है बेटा, और ये शीशा क्यों टांग रखा है इसमें। ये जब ऐसे गोल गोल मिल जाए ना, इधर देख के बोलो। मैं देखा, अगर वो फूटा ना तब देख लेना बेटा आप। यह पोज देखो लड़के की, आ जाओ बस बस। इसके ना बाहर के छिलके को ऐसे निकालते रगड़ के। देखो बीज, ये बीज वगैरह है ना इसको भी निकाल देते हैं, ये जो बीज वगैरह है। अभी ना मैं इसको ऐसे खींच रही हूँ सिलबट्टे में, हमारे इधर इसको थिचोड़ी बोलते हैं। तो देखो मैं इसको ऐसे ऐसे कर रही हूँ, और आप लोग सोचते होंगे कि हर चीज़ ऐसे खींचती क्यों रहती है सिलबट्टे में, लेकिन जो इनका रस होता है ना उसके बाद चावल के साथ खाने में मज़ा आता है। आप लोग भी कभी ट्राई करना। वैसे ना इस सब्जी को ऐसे बनाते नहीं है, इस सब्जी को आलू के साथ बारीक कट करके बनाते हैं, लेकिन मुझे भी ये ऐसा अच्छा लगता है और मेरी सासू माँ को भी। और जो इसका सूप पीने में मज़ा आता है ना, हाँ उसका टेस्ट तो मस्त होता है। और हाँ मुझे कल कमेंट आया था कि आपके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब है, आप खुद को इतना गरीब क्यों दिखाती हो। मैंने कभी खुद को गरीब या अमीर नहीं दिखाया है। और इस पे भी लोग कमेंट करेंगे कि सिलबट्टे में करती रहती हो, जिन पे दिमाग नहीं होगा, क्योंकि आजकल सभी को पता है कि मिक्सी हर एक के घर में होगी, शायद सभी के घर में होती है। लेकिन जब तक मैं सोचती हूँ कि हम ऑर्गेनिक मिल रहा है, हमें ऑर्गेनिक खाए, क्योंकि जब हम बाहर रहते हैं ना तो हर चीज़ हम इलेक्ट्रिक चीज़ों से ही, जैसे देखो पानी भी हम फिल्टर से पीते हैं, मिक्सी और भी सारी मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ करते हैं। जब तक मैं सोचती हूँ मैं घर में हूँ, जितना हम ऑर्गेनिक खा सकते हैं कर सकते हैं उतना क्यों ना करें। और मिक्सी से ज़्यादा स्वाद तो मुझे इसमें लगता है सिलबट्टे में। कम से कम जब तक 5-6 महीने घर में हैं, 2-3 महीने घर में हैं, पहाड़ों में हैं, कुछ तो हमारे पेट में ऑर्गेनिक जाएगा। चूल्हे का खाना भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ये सब्जी ऑर्गेनिक है, अभी खेत से तोड़ी कल, और भी सारी चीज़ें हैं। और ऐसे करके ना ये तो हम पहाड़ियों को ही अच्छा लगता होगा, पता नहीं आपको पसंद आता होगा या नहीं, लेकिन पहाड़ी है ना सबको पूछना, उनको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा चावल के साथ। तो घर में है मैं सोचती हूँ नेचुरल कुछ कर लेते हैं, ले इन चीज़ों में टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन स्वाद भी उतना ही आता है सच में। हेलो दोस्तों, अभी शाम का टाइम है, 5 बज रहे हैं, हम जा रहे हैं ऊपर रोड में घूमने के लिए। देखो यहाँ पर भी टूटा हुआ है रास्ता। चलो ये रास्ता है यहाँ पे, ये टूट गया है। यहाँ पे पानी बढ़ गया है, आ जाओ। आज अभी की दादी भी आ रही है हमारे साथ घूमने। यहाँ पे भी पानी निकल गया देखो। और सुमंदर आया था, बाइक टूट गई। क्या टूट गया? बाइक टूट गई ऊपर से, समंदर आ गया। बादल? हाँ अच्छा, समंदर आ गया। हमारी ये गांव की रोड भी टूट गई है। यहाँ पे गाड़ी आती थी ना मंदिर में तक,
अब नहीं आएगी, आगे टूट रखी है ये रोड, अब पता नहीं बनती भी है कि नहीं। उधर रोड भी टूट गई। हाँ, तब गाड़ी में कैसे जाएंगे? जब रोड बन जाएगी। क्या बनाना है? पानी की वीडियो। अच्छा, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे भी पानी निकल रहा है। अभी बोल रहा है इसकी वीडियो बनाओ, यहाँ से भी पानी निकल रहा है। दूसरी तरफ भी है, यहाँ पे उजड़ रखा है, ये ऊपर से पूरा रोड में आ रखा है और उधर भी उजड़ा है। अभी हम इधर शॉर्टकट रास्ता है ना, जाते टाइम दिखाएंगे उधर, ये वाली रोड। नामुख ले बुला। कुछ नहीं दिखाने को, इतनी पछाणी छे तो। देखो जंगल से आ गई गाय बकरियां। देखो दोस्तों, आपको नीचे दिख रहे है बकरियां कैसे लेटी है। बकरियों को भी बारिश से नफरत हो गई, आज धूप आई है तो कैसे लेट रखी है। देखो नीचे, ओ वो देखो नीचे रोड में, नीचे वाले रोड में। शाम के टाइम इधर लोग घूमने आ जाते हैं, एक दादी बैठ रखी है यहाँ पे और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मेरी सासू माँ लोग आ रहे हैं। हाँ, हवा कितना अच्छी चल रही ना, ठंडी। यहाँ पे दादी लकड़ियाँ काट रही है। ये आजकल हमारी लकड़ियाँ नहीं जल रही है ना, ये बारीक बारीक लकड़ियाँ होती है, इनमें जल्दी आग पकड़ लेती है। तो ये काट रही है, कांटे वाली लकड़ी होती है ये। हमारे गांव की प्राइमरी स्कूल है और इधर ये आंगनवाड़ी है। और यहाँ पे ना देखो दिख रहा है, ये जूनियर तक है, आठ तक है ये स्कूल। इतनी दूर है ये गांव से, मेन रोड से थोड़ा ऊपर है। अभी यहाँ बच्चे बहुत कम है। ये आंगनबाड़ी है सामने। तो दोस्तों, आप पूछते रहते हो कि आपके गांव का नाम क्या है, यही है हमारे गांव का नाम, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिरमोली है हमारे गांव का नाम। बड़ू जो काका है, फिर लग जाएगी भाई, दादी पे लग जाएगी, उधर का उधर लग जाएगी दादी पे, आप फिर मार खाओगे। पहाड़ों में आजकल इतनी रोड़े टूट रही है ना, बुलडोजर बुलडोजर। रात होने वाली है, अभी हम जा रहे हैं घर। आ गए हम इधर से घूम के, अभी अभी की दादी लोग पीछे, हम थोड़ा आगे आ गए हैं। हवाओं का आनंद ले रहे हैं और लकड़ी लेके भी आ गए। देखो क्या होना था। दादी कह रहा हाय बोलो। अभी देखो ये दादी और लकड़ी लेके आ रहे हैं। ये हमारे गांव की आंगनबाड़ी मैडम है। यहाँ पे गई है पूरी रोड, नीचे थोड़ी सी बची है, मत जा भी नीचे। देखो यहाँ पे पूरा ऊपर से ये उजड़ गया, ऊपर से पूरा टूट के रोड में आ गया है। अभी यहाँ पे पता नहीं मेरे हस्बैंड कैसे आएंगे, पैदल आना पड़ेगा उनको। तो अभी हम पहुंच गए हैं घर में। आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी बाय-बाय टेक केयर कर दो, अभी अभी बाय-बाय टेक केयर कर दो दोस्तों के लिए प्लीज़।
प्लीज अभी प्लीज बेटा आज इसका मूड नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।